हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार शर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लम्बर ज्ञान में। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें पानी कम आ रही है, इसको कैसे हम ठीक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये नल लगाया है और मैं इसे चालू करता रहता हूँ, प्रेशर बहुत कम है। इस प्रेशर को हम बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेंगे, इसका बने रहे वीडियो में। ये वाश बेसिन के भी टैप में पानी थोड़ी कम आ रही है, इसे भी हम देखेंगे। देख सकते हैं आप कितना कम पानी आ रहा है। ये रहा मेरा बाथरूम सेटअप और यहाँ पे शावर लगी हुई है और इसके टैप में भी पानी की बहुत फोर्सिंग बहुत कम है। आप देख सकते हैं ये फोर्स नहीं दे रहा। इसके शावर को भी हम चला के देखते हैं, इसमें पानी की प्रेशर बहुत कम है, इस टैप में पानी भी कम आ रही है। तो इसका उपचार कैसे करेंगे, तो बने रहें मेरी वीडियो में। और हम जब तक इसको रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाइप इंसर्ट की गई है, प्रॉब्लम यहाँ से भी हो सकती है और प्रॉब्लम छत से भी हो सकती है, एयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी सब को चीज़ को हम रिपेयर करके आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इस टैप की जाली को खोलकर देख लेंगे, कहीं इसमें कचरा वगैरह तो नहीं फंसा है। आप देख सकते हैं तो थोड़ी सी कचरा आई हुई है, ऐसे तो पानी क्लियर आ रहा है लेकिन ये लगने के बाद थोड़ा पानी कम आता है। थोड़ी थोड़ी झाग बन रही है। इसी तरह हम सारे नल को, सारे नल के जाली को खोलकर चेक करेंगे। सारे नल के टैप के जाली को खोलकर देख लेंगे कचरा है या नहीं है। देख सकते हैं थोड़ा सा कचरा है। इसके टैप को भी, जाली को भी खोल के देख लेते हैं कचरा है या नहीं है। यहाँ से ये पाइप निकली हुई है और यहाँ से होते हुए उस कॉर्नर में होते हुए आगे गई है और यहाँ से जाके ये नीचे गई है, वहाँ जाके अंदर गई है। यहाँ एक हम एयर पाइप लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। पाइप अब देख सकते हैं, मैंने यहाँ से कटिंग करके एक एयर पाइप यहाँ भी लगा दिया। इससे हुआ कि इनके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया गया। बस नल में पानी बहुत कम आ रहा है, नल में झाग नहीं बन पा रही है। इसके प्रेशर को आज हम बढ़ाएँगे